सफलता के लिए जरूरी होती है एक मजबूत टीम। काम अकेले भी किया जा सकता है और समूह के साथ मिलकर भी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमको सबको साथ लिए बिना संभव नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक ही होता है और यदि उसे एक समय पर कई काम करने हो तो उन्हें संपन्न करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छी टीम किसी भी संस्थान को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। टीम बिल्डिंग के लिए टीम लीडर की जरूरत होती है, उसी के माध्यम से इसकी टीम बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ होता है। बाकी सभी उसके सहयोगी होते हैं। भले ही टीम बिल्डिंग में लीडर की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन किसी भी कार्य की सफलता का श्रेय पूरी टीम को मिलता है, क्योंकि कार्य सभी मिलजुल कर पूरा करते हैं। कोई अधिक कार्य करता है, कोई कम कार्य करता है, लेकिन कार्य करने वाले व्यक्तियों का कार्य के प्रति समर्पण ही कार्य को सफल बनाता है। किसी भी संस्थान के कार्यों की सफलता के लिए टीम बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है। इसकी शुरुआत संस्थान के शीर्ष से होती है, इसके बाद निचले पायदानों की ओर सदस्यों की ओर चयन किया जाता है। भले ही टीम के विभिन्न पदों और उनके चयनित सदस्यों की अहमियत अलग अलग होती है, लेकिन टीम के सभी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई भी अपने कार्य में लापरवाही बरतता है या निष्क्रियता दिखाता है तो इसका प्रभाव कार्य पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि टीम के सभी सदस्यों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, टीम गठन के उद्देश्य से उनका परिचय हो, टीम के अंदर उत्साह जगाने वाले कार्यों के प्रति समर्पण भाव पैदा करने का भी उचित प्रयास हो। अन्यथा इन सब के अभाव में टीम वर्क बहुत ही निम्न स्तर का होता है। टीम वर्क के सभी सदस्यों में आपसी सामंजस्य, मेल भाव और विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अभाव में टीम के अंदर लड़ाई झगड़े व आपस में प्रतिद्वंद्वता का भाव पनपता है और इसका प्रभाव टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। जिस तरह यदि हम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसके ड्राइवर पर हमें भरोसा नहीं है, तो हमारा पूरा सफर चिंता के साथ व्यतीत होगा और हम सफर का मजा भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि टीम के सभी सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करें, समय समय पर अपनी कार्य कुशलता की प्रामाणिकता प्रस्तुत करें और अपनी कमियों को सुधारें और उन्हें दूर करें। यदि उनमें सहयोग की भावना नहीं है, कार्य की सफलता का श्रेय दूसरों को देने की बजाय खुद लेने का भाव है, तो ऐसा संस्थान अधिक उन्नति प्रगति नहीं कर पाता है। एक टीम की सफलता निर्भर करती है उसके सदस्यों की कार्यशैली के ऊपर। इसीलिए टीम के सदस्यों का अपने कार्य में योग्य व कुशल होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा उनमें अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसी के आधार पर वे अन्य जिम्मेदारियां उठा सकते हैं और किसी सदस्य की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार को संभाल सकते हैं। टीम कमजोर है या मजबूत है, इसे जानने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। एक कमजोर टीम के सदस्यों का प्रदर्शन गलतियों से भरपूर और कमजोर होगा, उनमें आपस में संवादहीनता होगी, टीम के सदस्यों का उत्साह ठंडा होगा, उनके कार्य व उसके परिणाम के प्रति सोच नकारात्मक होगी और उस संस्थान के कर्मचारी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार होंगे। जबकि एक मजबूत टीम के सभी सदस्य एक इकाई के रूप में कार्य करते दिखेंगे। टीम लीडर के अंदर टीम के सदस्यों की विविध कार्य प्रणालियों का पूरा ध्यान होगा और वह अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें कार्य सौंपेंगे और टीम के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराएगा। जरूरत पड़ने पर कार्य के नीति नियमों व कार्य प्रणाली में आवश्यक हेर फेर करने में टीम लीडर संकोच नहीं करेगा। एक मजबूत टीम के सदस्यों के अंदर अपने कार्य व उसके परिणाम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, एक भरोसा होता है अपनी टीम पर कि वह कुछ भी कर सकती है। ऐसी मजबूत टीम में यदि कोई सदस्य कमजोर भी पड़ता है तो टीम के अन्य सदस्य उसे संभाल लेते हैं और उसकी कमजोरी दूर करने का उचित प्रयास करते हैं। एक मजबूत
टीम किसी भी कार्य को पूरा करने में सक्षम व समर्थ होती है, भले ही उसके सदस्यों की संख्या कम हो। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां मजबूत टीम ने सफलता पाई। महाभारत युद्ध में एक ओर पांडवों की सेना थी, दूसरी ओर कौरवों की। पांडव सेना संख्या में कौरव सेनाओं की संख्या से बहुत कम थी। कौरवों की सेना संख्या में बड़ी होने के साथ साथ सशक्त भी थी, लेकिन फिर भी महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना विजयी हुई और कौरवों की सेना हार गई। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, साथ में उनकी युद्ध नीति की कुशलता भी थी, जिससे उचित व्यक्ति को ही जरूरी कार्यभार दिया गया और उसे पूरा करने में सबका सहयोग रहा। समय अनुसार नीति में हेर फेर बदल कर साम दान दंड भेद सभी का प्रयोग इस युद्ध में किया गया। विपक्षी सेना की कमजोरियों का भरपूर लाभ उठाया गया और अपनी कमजोरियों को दूर करने और उन्हें सशक्त में परिवर्तित करने का प्रयास हुआ। इसी तरह राम रावण युद्ध में भी एक ओर रावण के राक्षसों असुरों की सेना थी तो दूसरी ओर राम की सेना में वानर रीच आदि थे। उनके पास कोई विशेष हथियार भी नहीं था, उन्होंने पत्थरों वृक्षों व गदा से ही अपना युद्ध लड़ा और तब भी विजय श्रेय का वर्णन किया। युद्ध करने के लिए सबके समक्ष किसी को जाना चाहिए। किसी के सामर्थ्य व शक्ति प्रयोग का उत्तर कैसे और कब देना है, आने वाले संकटों का समाधान कैसे हो, आगे की रणनीति क्या हो, उत्साह कैसे निरंतर बढ़ता रहे, यह सब समय पर करना बहुत ही जरूरी होता है। राम जब विजयी हुए तो विजय का पूरा श्रेय अपनी वानर सेना को दिया, जबकि वे परम समर्थ व शक्तिशाली थे, कुछ भी करने में समर्थ थे और अंततः विजय भी उन्हीं के पराक्रम से मिली थी। फिर भी विजय का जरा भी श्रेय उन्होंने नहीं लिया। हमारा जीवन भी संग्राम की तरह होता है, यहाँ पर भी युद्ध के जैसी स्थिति बनी रहती है। इसीलिए युद्ध के समय की बहुत सी बातें ऐसी होती है जिन्हें अपनाने की जरूरत है, जैसे कार्य नीति, कार्य योजना, कार्य का निर्धारण व सक्षम योग्य व्यक्तियों को उसके अनुरूप कार्यभार सौंपना, कार्य का निरीक्षण व प्रस्तुतिकरण, उसका प्रभाव व परिणाम। किसी भी टीम की सफलता में हर व्यक्ति अन्य दूसरे लोगों पर निर्भर होता है। एक संवेदनशील नजरिया होना जरूरी है, क्योंकि इस संवेदनशीलता के जरिए ही हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। संवेदना से माहौल भी अच्छा बनता है, अपनापन महसूस होता है और टीम के सदस्य कार्य भी पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं। इसीलिए किसी भी संस्थान को चाहिए कि वह अपनी टीम के सदस्यों का पूरा ध्यान रखे, उनकी योग्यता संवर्धन पर ध्यान दे, उनकी क्षमता व सामर्थ्य को जाने और उनका सही से उपयोग करे।